तो ये है भाई हानले का ऑप्टिकल टेलीस्कोप, और नीचे वाला रह गया मेस टेलीस्कोप। ये जो रिफ्लेक्टर है ना भाई, ये बड़े प्रीशियस और बहुत महंगे महंगे मेटल से। ये तो मोटा मोटा लग रहा है मेरे को, ये तो मोटा मोटा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, पिछली रोने वाली वीडियो के बाद फिर से दीपांशु एकदम फ्रेश हो चुके हैं। फ्रेश हो चुका है, एक्सेंट देखो क्या निकल रहा है मेरा हिंदी का, पता नहीं हरियाणवी है, राजस्थानी है, लद्दाखी है, पता ही नहीं। तो अभी हाल फिलहाल मैं हूँ हालने के अंदर, और कल मैं था चिलिंगसो में। कल चिलिंगसो से गाड़ी चला के सीधा मैं हालने पहुँचा। कल पूरे दिन मैंने दबा के आराम किया है भाई। अचंभे वाली बात यह है, शॉकिंग बात यह है कि मुझे लद्दाख में एंटर हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं, और 7 दिन बाद मेरे साथ ये एल्टीट्यूड सिकनेस आती है। ऐसा नहीं कि मैं भाई 4,000-5,000 meters के साथ एक्लमेटाइज़ नहीं हुआ था, ऑलरेडी मैं कर चुका था ढंग से एक्लमेटाइज़, लेकिन पता नहीं बॉडी ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया नहीं और कल मैं पड़ गया बीमार। आपके पास दूध कौन सा है? दूध पाउडर वाला है, गाय वाला? अच्छा, खुद की गाय है। ये देखिए भाई, एक टिपिकल लद्दाखी घर के अंदर एक ऐसी किचन होती है, इधर होती है बुखारी और इसे सही। अभी आप ज्यादातर खाना बुखारी पे बनाते हो या फिर गैस पे? मैं ज्यादा है तो गैस में, अन्य कम है तो बुखार। आपको किस में अच्छा लगता है ज्यादा बनाना? बुखार में। मैं अभी एक बार चाय पी लेता हूँ और उसके बाद अपने निकलेंगे। मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका हूँ इसका नाम है नुरबुला गेस्ट हाउस, और यहाँ पे मैंने पे किए हैं 1,000 rupees पर नाइट, जिसके अंदर मेरा खाना इंक्लूडेड था। बड़ा प्यारा गेस्ट हाउस है, यहाँ बड़े यहाँ के प्यारे लोग हैं। थैंक यू जी। अब मैं निकलता हूँ सबसे पहले स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरफ। चलो जी, थैंक यू जी, शाम को मिलते हैं। बाय स्टीयरिंग, बाय बाय। ऑब्जर्वेटरी जाने का रास्ता इधर से ही है ना? हाँ जी। और भाई हानले के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस भी है, तो मैं यहाँ पे चाह के भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता। और कौन कौन इंडिगो का फैन बॉय है? मेरे को इंडिगो का जो म्यूजिक है ना, बड़ा प्यारा लगता है। ये देखिए आप, ये वाला जो म्यूजिक अगर आप पहचान पाओ तो इंडिगो में कब आता है? बड़ा प्यारा लगता है मेरे को। चले भाई, भाई वैसे मैं आपको एक चीज मस्त बात बताता हूँ, हार्ले एक अकेला कोई वो गांव नहीं है, यहाँ पे 4-5 गांव इकट्ठे मिलके हार्ले बनाते हैं। अभी शायद आपको सामने दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, थोड़ी देर में दिख जाएगा। सबसे पहले अपन जा रहे हैं गामा रे टेलीस्कोप के पास। गामा रे या एक्सरे, ये एक टेलीस्कोप है जिसके थ्रू अपने साइंटिस्ट और अपने जो ऑब्जर्वेटरियर है वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से। अभी दिख गया होगा शायद आपको, एक बड़ा सा एक ग्लासेस है। आज से शायद 2021 की बात है, 2021 में इसी अक्टूबर के टाइम पे मैं आर्मेनिया में गया था। आर्मेनिया में मैं गया था और वहाँ देखी थी मैंने एक सोवियत ऑब्जर्वेटरी जो बंद पड़ी थी, एकदम खंडर हो चुकी थी, लेकिन भाई वहाँ पर जो चीज़ें थी ना यार, वो नेक्स्ट लेवल थी। और वहाँ मैंने ड्रोन फ्लाई कर दिया था, वो आर्मेनिया के मिलिट्री वाले आ गए थे, काफ़ी बड़ा पंगा हो गया था। मॉर्निंग सर। सर यहाँ पे घूम के देख सकते हैं क्या? अच्छा, रात को यहाँ पे स्टारगेजिंग होती है क्या? अभी आज होगी। हाँ जी, तो फिर से आपका स्वागत है हानले की स्पेस ऑब्जर्वेटरी के अंदर, और अभी एक स्टार गेजिंग का इवेंट चल रहा है यहाँ पे हानले के अंदर, जिसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा रखे। ये सामने देखिए, एक भाई साहब ने इतना बड़ा टेलीस्कोप लगा रखा है ये वाला। और शाम को यहाँ पे 7 बजे से लेके रात को पता नहीं किस टाइम तक एक स्टार पार्टी चलती है, जिसमें जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी हैं इन्होंने अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप प्रोवाइड कर रखे हैं लोकल्स को, ताकि जिसके थ्रू अपन अलग अलग चीज़ें देख पाएँ। अभी मेरे को एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने बताया था कि वी कैन लिटरली सी द रिंग्स ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न के जो रिंग्स है ना वो अपन देख सकते हैं। ये जो अलग अलग टाइप की रेज होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, उनके थ्रू हम नाइट को कैसे देख पाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, कई ऐसी टॉर्च आती है जिनके अंदर यूवी रेज होती हैं। और अब जब आप उन यूवी रेज को अपने इन हाथों के ऊपर डालोगे ना, तो आपको अलग अलग चीज़ें मैग्नीफाई होकर अलग तरीके से दिखती हैं। जैसे कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने हाथों के ऊपर जर्म्स यूवी रेज के थ्रू, और जब आप जो अपना 500 या 1,000 जितने भी टाइप के नोट हैं उनको यूवी रेज के थ्रू
स्कैन करोगे तो आपको एक अलग ही इमेज दिखेगी। सेम सीन आपका ओपन स्काई के साथ है। अगर आप गामा रेज के थ्रू स्काई को देखोगे तो अलग स्काई दिखेगा, यूवी रेज के थ्रू देखोगे तो अलग दिखेगा, एक्स रेज के थ्रू देखोगे तो अलग दिखेगा। जैसे कुछ डार्क मैटर होता है जो अपन अपनी नेकेड आँखों से देख नहीं पाते, वो आपको यूवी रेज या एक्स रेज या गामा रेज के थ्रू मिलता है। तो ये सामने जो टेलीस्कोप है ये उसी चीज़ का काम करता है। सेम एग्जैक्ट जो उधर आर्मेनिया में मैंने देखा था वो थोड़ा अलग टाइप का था, उसके ऊपर मिरर लगे हुए थे और भाई उन मिरर में जो मेटल्स यूज़ होते हैं ना वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सोलर पावर स्टेशन भी है, कुछ सोलर पैनल उधर लगे हुए हैं और कुछ सोलर पैनल इधर लगे हुए हैं। मेरा जो स्टार्स को लेकर और एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर इंटरेस्ट तो बहुत पहले से था, लेकिन लॉकडाउन में ये और ज़्यादा बढ़ गया। लॉकडाउन में आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आप लोगों ने कहीं उन्हें देखा होगा, सैटर्न और जुपिटर है ना, जुपिटर का कॉन्फ्लुएंस था, मतलब कि दोनों एक ही जगह आ गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिर्फ ये दोनों एक ही प्लैनेट है। ये 400 सालों में एक बार होता है और ये चीज़ मैंने देखी थी, ये हुई थी 21 दिसंबर 2020 में। भाई बाकी मैं इन्हीं रिफ्लेक्टर्स की बात कर रहा था। नीचे वाले टेलीस्कोप को देखने के बाद अब मैं जो ऊपर ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कुछ अलग टाइप के टेलीस्कोप। यहाँ पर रिलीजन और साइंस का एक अलग ही टाइप का कंसेप्ट मिश्रण है। सामने जो आपको ये वाला सेंटर फ्रेम के सेंटर में जो जगह दिख रही है ना, दैट इज़ हानले मोनेस्ट्री, जो लद्दाख की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। इससे पहले जो हमने टेलीस्कोप देखा था वो था गामा रे टेलीस्कोप और ये है ऑप्टिकल, तो इसके अंदर लेंसेज लगे हुए हैं। नीचे वाला जो भी इमेज क्रिएट करता है वो रेज के हेल्प से करता है। अभी वर्किंग है क्या सर ये? अभी बंद हो गया? भाई साहब इस टेलीस्कोप का रूप देखिए, मेरे हिसाब से जब ऑब्जर्वेशन होती है तो ऊपर से विंडो खुल जाती है और ये चारों तरफ घूम सकता है, तो जिस साइड भी अगर देखना हो तो इस टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। एंड दिस इज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो ये है भाई हानले का ऑप्टिकल टेलीस्कोप और नीचे वाला रह गया मेस टेलीस्कोप जिसे गामा रे टेलीस्कोप भी बोला जाता है। इस टेलीस्कोप के बारे में सबसे मस्त चीज़ क्या है कि ये रिमोटली ऑपरेट होता है। मोस्टली जो अपने साइंटिस्ट बेंगलोर में बैठे होते हैं और बेंगलोर में एक ऐसा रिसीवर होता है, वहीं से फिर जो सारे ये सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है, वो सारे की सारी चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है। जो अपने इंडिया के जीसैट सैटेलाइट हैं वो इनके थ्रू कनेक्टेड हैं और वो सारे की सारी चीज़ें हानले आए बिना भी इस टेलीस्कोप को ऑपरेट कर सकते हैं। तो रिमोटली मोनिटर टेलीस्कोप है। और हानले में टेलीस्कोप लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या था कि एक तो यहाँ पे साल में 260 प्लस डेज आपको क्लियर स्काई मिलेगा और दूसरा यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं तो जो लाइट पोल्यूशन है वो भी यहाँ पे कम मिलेगा। अगर मान लो कि ले भी तो एक रिमोट लोकेशन है, लेकिन ले एक बड़ी सिटी है और बड़ी सिटी होने के कारण वहाँ पे लाइट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी उस कारण से टेलीस्कोप के अंदर लाइट पोल्यूशन होने का बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। और जो अभी आपने कुछ देर पहले वीडियोस देखी, अभी कुछ देर पहले आपने कुछ फ़ोटोज़ देखी थी, वो सारे की सारी फ़ोटोज़ अपने इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू ली गई हैं। इसे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप बोला जाता है। एंड हाँ जी यार, इन चीज़ों को देख के ना बड़ा प्यारी सी फीलिंग आती है, एक अलग टाइप में। जैसे एक अभी आपने फ़ोटो देखे होंगे रिंग नेबुला की, ईगल नेबुला की, उनके फ़ोटोज़ नासा ने सबसे पहले रिलीज़ की थी, लेकिन अपना ये वाला जो टेलीस्कोप है इसने भी उन फ़ोटोज़ को उन जो भाई क्लस्टर्स हैं और नेबुला हैं उनको बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। इवन जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ना, इसकी फ़ोटो भी हमारे इस टेलीस्कोप ने ली हुई है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपको पता होगा ना, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अपने नियरेस्ट देखो, अपनी गैलेक्सी का नाम हो गया मिल्की वे गैलेक्सी और जो सेकंड गैलेक्सी जो एकदम अपने बिल्कुल पास है दैट इज़ एंड्रोमेडा। और ऐसा माना जाता है कि आज से 1 बिलियन साल बाद, यानी 1 बिलियन कितने हो गए, 100 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे का कोलिजन होने वाला है और दोनों मिलके फिर एक मस्सा नाम था यार, दोनों मिक्स होके फिर एक नई गैलेक्सी बन जाएगी जो बहुत बड़ी होगी, मिल्की वे और एंड्रोमेडा। इधर मैंने गाड़ी पार्क कर रखी थी उधर और इधर ये एक और माशे आ गए। व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है ना हानले का।
भाई उधर पहाड़ की तरफ देखिए कैसा माहौल हो रखा है, यूं लग रहा है जैसे बहुत तेज तूफान आने वाला है। ये देखिए, मैं सोच रहा हूँ उधर ही जाने की एक बार कि देखे तो ये माजरा क्या है, क्योंकि बादलों ने अलग टाइप की शेप ले रखी है। और ये भाई वो जगह है इंडिया की सबसे वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस में से एक, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और जहाँ पे सबसे ज्यादा क्लियर स्काई रहता है। आज मेरे को शाम को लग नहीं रहा कि कुछ देख पाऊंगा मैं। भाई ऐसे दिखती है बाहर से मोनेस्ट्री, लग रही है ना एकदम पोटला पैलेस जैसी। हाँ पोटला पैलेस तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये मोनेस्ट्री भी छोटी नहीं है यार। मैं एक बार अपने गेस्ट हाउस में जाके पूछता हूँ कि यहाँ पे मॉन्क्स कब आते हैं। जिस टाइम मॉन्क्स होंगे ना उस टाइम आऊंगा मोनेस्ट्री में। अगर कल सुबह मिला तो कल सुबह आ जाऊंगा, और अगर आज शाम को आएंगे तो आज शाम को आ जाऊंगा। बाकी अभी मैं यहाँ पे एक आर्मी का कैफे है वहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ। मेरा मोमोज खाने का मन है तो वहाँ पे मोमोज खाऊंगा। कई हाँ जी, अपनी आर्मी ने यहाँ पे कैफे खोला हुआ है। अच्छा जी, तो ये एक वाटर क्रॉसिंग है जो मुझे क्रॉस करनी पड़ेगी उस साइड जाने के लिए। अब इसके अंदर पानी कितना है मेरे को ये आइडिया नहीं है। ले ले रिस्क इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने का। उधर कुछ बाइकर्स भी दिख रहे हैं, हर लोगों के मेरे ऊपर निगाहें हैं। तो लोटस सर के जो भाई हैं, लोटस सर वही हैं जिनके गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ, और उनके भाई की ही ये भेड़ बकरियाँ हैं। आप लद्दाख आए और आपने भेड़ बकरियाँ क्रॉस नहीं की तो फिर आप क्या लद्दाख आए। पी लो भाई, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। मैं जस्ट अभी आर्मी का जो कैफे था वहाँ से आ रहा हूँ यार। अभी तक यहाँ पे स्काई क्लियर हुआ नहीं है, बादल और ज्यादा आते जा रहे हैं, लेकिन लोटस सर बोल रहे हैं कि रात तक क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा सर। देख लो अगर क्लियर नहीं हो तो मैं आपकी गर्दन पकड़ूंगा फिर आज। आप भी चलोगे ना, देखना मजे आएंगे सर जी। एक तारा होता है सर, उसको ग्रह बोलते हैं, शायद शुक्र बोलते हैं। अच्छा, उसके रिंग होते हैं बार बार। अच्छा, तो अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे तो वो रिंग भी दिखेगा। अच्छा, हाँ तो आप चलना मेरे साथ अगर आज मौसम खुल गया, ठीक है, आपको भी मजे आएंगे। आपने पहले कभी नहीं देखा है ना। हम लोग देखेंगे तो पता नहीं चलते नहीं। बड़ा होके फिर एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। हाँ। हानले से एक साइंटिस्ट है तेंजिन। ये भाई तेंजिन नाक भी डुबो दिया। क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज के बाद वो जो छोटे छोटे टेलीस्कोप रखे ना वो अंदर रख देंगे, ले जाएंगे वो। बड़े वाले में तो नहीं देखने देंगे, छोटे छोटे रखे हुए। अच्छा। हाँ सर, 12-12, 13-13 लाख के आते हैं वो टेलीस्कोप। अच्छा। मेरा भी सपना था कभी खरीदने का। अच्छा। लेकिन अब लगता है कि वो कार से बाहर हो गया सब। तो अभी मैं लोटस सर के साथ बात कर रहा था, लोटस सर ने मुझे बताया कि अगर जितने भी पुराने तिब्बतन मोनेस्ट्रीज हैं उनमें से सेकंड नंबर पे हानले की मोनेस्ट्री आती है। तो ये जो लासा के बाद आप बता रहे हो कि सेकंड यही था ना सर। हाँ, लासा से तो सेकंड यही, पहले सेकंड, फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड यही बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है ना, नहीं तो देख लेता हूँ ढंग से। इंटरनेट नहीं है तो देख लीजिए। क्या लग रहा है, जीव आएगा क्या यहाँ पे? जो अभी आएगा तो बोलते है, पता नहीं सर। लफड़ा कौन कर रहा है? पता नहीं सर, हमारा दलाई लामा ये सब ये आता ही है। आजकल तो नाम ये दार्जिलिंग लोग में। दार्जिलिंग में। अच्छा। आजकल दार्जिलिंग में होगा। जो आप जो बड़े दलाई लामा हैं तेंजिन ग्योत्से, उनसे मिला है आप? इसको भी मिला, इसका दूसरा नाम ये है। तेंजिन ग्योत्से से मिले हैं आप? जो जो 14 दलाई लामा हैं। हाँ वो तो मिले। अरे भाई, जो रात का स्टार्ट है जी, कहीं तो
थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और अब हम ओर्टिस जो नेबुला है उसको देखने आ रखे हैं। आप ही से? हाँ यहीं से। बहुत इंटरेस्ट लग रहा है आपको। ये भाई ऐसे डेटा है जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपका आपका टेलीस्कोप पीछे है क्या इधर, जिसका ये डेटा है? हाँ। वो भी ऑप्टिकली है क्या? अच्छा हेलो हेलो इसमें देखो हेलो, ये बंदा कौन है, कौन है ये, है जोड़ू, ये इसका नाम क्या है, कौन है, कौन है, नाम क्या है इसका? क्या केमोपोते। और इसका नाम क्या है? किमुलोते। इधर बैठेगा, ये ले इसका। ये तो मोटा मोटा लग रहा है मेरे को, ये तो मोटा मोटा लग रहा है, मोटू है ना। देखना है, देखना है क्या? एक बार भाई को दो, तो भाई को दो, भाई को दो, भाई ने देखा नहीं अभी, भाई को दो। अरे उठा तो ले इसको। ले ले ले, कितना क्यों डर रहा है? तो भाई और बहनों, कल रात को हम उधर स्टार गेजिंग के लिए गए थे और हमने मस्त मस्त टेलीस्कोप देखे। ऐसे कर अब गया अंदर। क्या नाम है, नाम क्या है? जिगमे। तो सारे के सारे भाई हम इकट्ठा होके रात को यहीं पे आ गए थे मैच देखने के बाद, इंडिया को जिताने के बाद। और फिर हम रात को गए स्टार गेजिंग, वो तारों को देखने। वो शायद आपने थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी। मैं चाह रहा था वहाँ पे और अच्छे से वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर अंधेरा था और लाइट ऑन करता तो भाई वो स्टार गेजिंग में दिक्कत होती, लाइट पोल्यूशन होता। लेकिन अगर आप लोग इस एरिया में घूमने आते हो तो हानले के अंदर ज़रूर एक्सप्लोर करना। काफ़ी लोगों के पास टेलीस्कोप होते हैं, वो एक घंटे शायद 200 रुपये लेते हैं आपसे, और उसमें आपको जो जो स्टार्स बोलेंगे या फिर प्लैनेट्स बोलेंगे वो आपको दिखा देंगे। कल एक तो मैंने देखा था ओरियन का क्लस्टर, ओरियन क्लस्टर था या नेबुला था, और एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी यार। लिटरली इनके पास ऑप्टिकल्स वो होते हैं टेलीस्कोप, मान लो 15-20 लाख के टेलीस्कोप आते हैं यार, वो अपनी औकात से तो बाहर है अभी। ये अपने भाई महाराष्ट्र से, सूर्य आराम का नाम भूल गया, बट्टू, बट्टू भाई। एंड ये भाई अपने तमिलनाडु से, ना व्हाट्स योर नेम? विनीत। विनीत, और दीदी को आपने शायद कल वीडियो में देखा ही होगा। चलो यार भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू आपको नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। और भाई कोई टेलीस्कोप मैन्युफैक्चरर तो बताओ यार, मुझे ना एक टेलीस्कोप खरीदना है, लेकिन उसकी कॉस्ट है 12-15 लाख के बीच में। कर दो कोई स्पॉन्सर यार, मैं 10-15 वीडियोज में आपका नाम ले दूंगा। तो पता नहीं।